वैंकूवर की जान दिल अपना पाकिस्तान, वैंकूवर की जान दिल अपना पाकिस्तान। Sundays at 3:30 p.m., Dil Apna Pakistan brings you Canadians with roots in Pakistan and features community information and entertainment. Vancouver ki jaan, Dil Apna Pakistan. नाज़रीन, दिल अपना पाकिस्तान के इस हफ्ते के प्रोग्राम में हम आपके लिए वैंकूवर लोअर मेनलैंड सरे से बहुत सारी खबरें, बहुत सारी चीज़ें लेकर आए हैं। एपिसोड में कबड्डी का टूर्नामेंट और इकना का एक फैमिली रीयूनियन, और सबसे बड़ी बात हज़रत अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में एक महफिल नात का इनेकाद हुआ। शेख नूर जहां साहब और उनकी टीम ने इस प्रोग्राम का इनेकाद किया, और इसके साथ साथ एक ग्रैंड ईद मिलाद भी होने जा रही है, और उसकी तारीख का बाद में मैं आप अपने प्रोग्रामों में जिक्र करूंगा, तो उसमें भी जाइएगा। तो इसी तरह कबड्डी का टूर्नामेंट जो एपिसोड में हुआ उसके बारे में भी हम बात करेंगे, और इंडस जी नाज़रीन, इंडस हॉस्पिटल सितंबर को 17 सितंबर संडे के दिन आर्या बैंक्वेट में आना ना भूलिएगा। ये एक ह्यूमैनिटी की हेल्प के लिए ये जो फंड रेजिंग हो रहा है, और डिनर भी है इसके साथ। आप ज़रूर आइए, अपने टिकट लीजिए, अपनी फैमिली को लेकर आइए। ये एक बहुत बड़ी काज है। देखते रहिए वैंकूवर की जान दिल अपना पाकिस्तान। जी हाँ नाज़रीन, 21 अक्टूबर को वैंकूवर में पैसिफिक कोलिसियम में कौन आ रहा है? आतिफ असलम। आतिफ असलम जो है वो एक बहुत बड़े लेजेंडरी फनकार हैं, जो जिन्होंने गुलकारी में सिंगल हैंडेडली अपना नाम कमाया है। इंडिया में हो, पाकिस्तान हो, या दुनिया भर में जहाँ भी उर्दू और हिंदी बोली समझी सुनी जाती है, उसके ये फनकार आतिफ असलम आ रहे हैं। 21 अक्टूबर को पैसिफिक कोलिसियम में देखना ना भूलिएगा। शाम 8 बजे शो स्टार्ट हो जाएगा, और हम चाहेंगे कि वैंकूवर के दिल अपना पाकिस्तान और दुनिया भर के और शहर बाकी कनाडा में, यूएस में जो भी करीबी शहर हैं वैंकूवर से, वो ज़रूर देखने आए 21 अक्टूबर को लेजेंडरी फनकार आतिफ असलम वैंकूवर आ रहे हैं। हम आपको मिलेंगे वैंकूवर में 21 अक्टूबर को। देखते रहिए वैंकूवर की जान दिल अपना पाकिस्तान। Sundays at 3:30 p.m., Dil Apna Pakistan brings you Canadians with roots in Pakistan and features community information and entertainment. जी नज़रीन, दिल अपना पाकिस्तान के साथ इंतज़ार अहमद आज यहाँ फिजी इस्लामिक सेंटर में, फिजी इस्लामिक सेंटर में नात एंड जिक्र प्रोग्राम विद शेख नूर जहाँ के साथ यहाँ पे हो रहा है, और शेख साहब आ रहे हैं, और हम इस प्रोग्राम की झलकियाँ आपको दिखाएंगे। माशाल्लाह शेख साहब यहाँ पे आ चुके हैं, और बाकी झलकियाँ जो हैं हम इस प्रोग्राम की आपको जैसे जैसे प्रोग्राम चलता रहेगा हम आपको दिखाते रहेंगे। जी अस्सलाम तस्लीम। اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم صل على بنية مولد النبي صلى الله عليه وسلم।
जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। शुक्रिया बहुत बहुत आपका इस प्रोग्राम में, दिल अपना पाकिस्तान के प्रोग्राम में हम आपको ले रहे हैं। आप कोई पैगाम उम्मत के लिए देना चाहेंगे? आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह हमारा सालाना ग्रैंड मिलाद का प्रोग्राम 29 सितंबर इंशाल्लाह सरी में हो रहा है, रिवर साइड सिग्नेचर हॉल के अंदर, और हम तमाम अपनी कम्युनिटी को दावत देते हैं कि उस प्रोग्राम में भरपूर तरीके से शिरकत करें और उसमें शामिल हों। अल्हम्दुलिल्लाह हर साल की तरह ये हमारा 12वां साल है, 12th years doing the annual celebration of the Prophet sallallahu alaihi wasallam, inshallah. And all the community, तमाम लोग हर किस्म के बैकग्राउंड से उसमें हम सबको दावत देते हैं, तमाम जितने भी हैं इंशाल्लाह, और हम अपने दिल से खुशामदीद करते हैं। और ये आपका प्रोग्राम है और इस प्रोग्राम में शिरकत करना सबके लिए बायस नेमत और बायस बरकत है। आमीन। शुक्रिया। आमीन। सी एवरीबॉडी देयर इंशाल्लाह। शुक्रिया बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह ब्लेस यू। अल्लाह इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। I want to first acknowledge the Coast Salish peoples, including the Semiamu, the Akatsi, the Kwikitlam, the Kwantlen, the Kakait, and the Siwassan First Nations on whose traditional territory we are on today. वैंकूवर में अपनों के दरमियान वैंकूवर की जान, दिल अपना पाकिस्तान। क्या बात है। वैंकूवर की जान, दिल अपना पाकिस्तान। अपना पाकिस्तान के साथ इंतखाब अहमद आज सरे बीसी में यहाँ पे क्रिकेट के साथ साथ कबड्डी जो है उसके प्लेयर आए हुए हैं पाकिस्तान से। हम चाहेंगे कि पहले क्रिकेट के लोगों का तारुफ जो है वसीम हासिल कराएंगे और फिर उसके बाद जो है कबड्डी के प्लेयर्स का तारुफ आप कराएंगे। तो हम चाहते हैं कि बीसी में यहाँ पे वैंकूवर में खासतौर पर सरे में लोअर मेनलैंड में खेलों की जो एक्टिविटीज होती हैं उनकी हम झलकियां आपको दिखाते रहें। देखते रहिए वैंकूवर की जान, दिल अपना पाकिस्तान। और वसीम साहब बताइएगा, क्रिकेट के लेजेंड जो हैं ये हमारे कलीम सना है, ये कनाडा की क्रिकेट टीम के इंटरनेशनल प्लेयर हैं और अभी ग्लोबल T20 में मॉन्ट्रियल की तरफ से ये लीग के चैम्पियन रहे हैं और इनकी बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस रही है। अटैक बॉलर हैं ये, फास्ट बॉलर लेफ्ट हैंड एंड ऑलराउंडर में बैट्समैन, बैटिंग भी करते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये सरी के रेजिडेंट हैं और बड़ा हमें फ़ख्र है कि ये हमारी कम्युनिटी में से एक इंटरनेशनल प्लेयर क्रिकेट के बने। वेरी गुड। कलीम सना, आप शर्माए नहीं, आपकी बॉलिंग अटैक जो है वो वाकई दूसरी टीमों को हिला देने वाला होगा। ज़रूर हम चाहेंगे कि हमारे नाज़रीन आपकी कोई बात सुने और इंस्पायर हों यहाँ पर। बस इंस्पायर वाइज तो कोई बात नहीं है, आप सबसे यही एक मेरी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ जितने आपके यहाँ पे जो रेजिडेंट हैं, इवन के पाकिस्तानी भी जो हैं, अपने किड्स को क्रिकेट के लिए लाजमी भेजें। बिल्कुल, बस यही रिक्वेस्ट है आपको। हाँ, बच्चों को बहुत बहुत क्रिकेट खेलने की रगबत दें और टीवी और कंप्यूटर से उनको ब्रेक टाइम मिलना चाहिए। आप कमेटी के लोग जो हैं वो थोड़ी सी एक्टिविटी बताएंगे, आप बताइएगा सबके नाम के साथ ताकि इनकी जो पहचान जो है पाकिस्तान, जी पाकिस्तान, सारे पाकिस्तानी। हीरे भट्ट से शुरू करते हैं। हाँ जी, जरा हाथ उठा दें, बताएं अपना नाम। ये हमारे पाकिस्तान के हीरा भट्ट डायमंड ऑफ कबड्डी के नाम से मशहूर है। बिल्कुल। और अल्हम्दुलिल्लाह इन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया और पाकिस्तान का, पूरे पाकिस्तान का नाम रोशन किया पूरी दुनिया में। माशाल्लाह। तो हमें नाज है ऐसे खिलाड़ी पे, कभी कभी दुनिया में ऐसे खिलाड़ी पैदा होते हैं। माशाल्लाह। और साथ में हमारे आसम राजा, माशाल्लाह, कभी क्रिकेट में राजा हुआ करते थे, अब कबड्डी में भी है। कबड्डी में भी राजा, क्या बात है, क्या बात है। सेम मलिक ज़कालला, माशाल्लाह, यंग यंग स्टार है और बहुत ही अच्छा रीडर है। और उसके आगे जिसके झंडा बना हुआ है तबशर जट,
और ये छोटे दुल्हे के नाम से मशहूर है। माशाल्लाह। इसकी गेम की तारीफ करने के लिए कोई वर्ड नहीं है हमारे पास। तो जब ये आया खेलता था और थोड़ा सा नर्वस था और खेल के दौरान दुरूशरी पढ़ता था और कहता था भाई मैं दुरूशरी पढ़ रहा हूँ, मैं पढ़ो अल्लाह सुबहाना तआला को। माशाल्लाह अल्लाहुम्मा सल्ली अला। तो इसको अल्लाह सुबहाना तआला ने ऐसी कामयाबी अता फरमाई। ज़ुल्करनैन डोगर साहब नतिया वाले, देखो कानों में माशाल्लाह, ये ग्राउंड में भी नतियों के नाम से पुकारे जाते हैं। माशाल्लाह। इसके आगे हमारे लेजेंड लाला बैदुल्ला, इन्होंने पूरी दुनिया में माशाल्लाह झंडे गाड़े हैं अपने काम के। और आज हम जहाँ भी जाके खड़े होते हैं ना, लोग जो भी आता ना इसकी तरफ चला जाता है। हमने कहा यार हमें कोई पूछते ही नहीं है, जो आता है लाले की तरफ। हम एडमिंटन में गए, यकीन करके जानो हमें ये खिलाड़ी नहीं मिल रहे थे। कहाँ गए वो लाली की नस्बत से? कोई सरदार उसको उठा के लेके, कोई पाकिस्तानी उठा के लेके। हम अकेले होटल में करवटें बदले गए हमारे खिलाड़ी इसके नाम पे। माशाल्लाह। और ये एक यंग स्टार आया इस दफा, पहली दफा अल्हम्दुलिल्लाह यूं कह ले अंडर ट्रेनिंग है, हमने इसको बुलाया, इसका वीजा लगवाया। और मैं कहता चलूँ कि यहाँ जितने भी कबड्डी प्लेयर के वीजे लगे ना यहाँ वैनकूवर में, इसमें बलाल चीमा और रणदीप सराह का बहुत बड़ा हाथ। अच्छा, वेरी गुड। ओह माशाल्लाह, वेरी गुड, कीप इट अप। ये कबड्डी के प्लेयर जो है ये हमारी एक निशानी है। एक वो हमारे हैं लाला सैफुल्लाह। अच्छा, माशाल्लाह इनकी गेम बहुत अच्छी है। लड़के अक्सर लड़के कहते हैं कि जब ये जफ्फे लगाते हैं तो ऐसे जैसे बरसात की बारिश होती है। क्या बात है, जैसे बादल आते ना बरसात में, सुबह भी बारिश, शाम भी बारिश, दोपहर भी। जब इंशाल्लाह ये गेम करते तो ऐसा ही बरसात लगा। वो जिन जफ्फा जो है वो उनमें से सबसे अच्छा कौन डालता है? एक्चुअली ये नतियाँ वाले डोकर साहब जिसके सामने खड़े हो जाए दीवार ही बन जाती है। और सबसे अच्छा प्लेयर जो है वो बताएं? सारे अच्छे। नहीं नहीं, मैं सिर्फ मुझे कुछ कुछ कबड्डी खेली तो नहीं है लेकिन देखी जरूर है। वो जो हाथ पकलाई पकड़ लेते हैं, जो मतलब पकड़ के बंदे को ग्रिप डाल के जाने नहीं देते, उनमें किसका एक नतिया थोड़े आगे ना, एक नतिया वाला। हाँ जी, साथ में वो खड़ा है आसम राजा। माशाल्लाह माशाल्लाह जी, ये कबड्डी का हुनर जो है ये पाकिस्तान की पहचान है, पंजाब की पहचान है, बल्कि पूरे पाकिस्तान की पहचान है। तो मेरे साथ भोला साहब है, भोला साहब आपने महफिल की जान है, तो आप भी कोई पैगाम दें यहाँ पे। तो नवीद साहब है असली नाम इनका, और ये जो भोला परदेसी के नाम से हैं। तो मैं चाहूँगा दिल अपना पाकिस्तान में ये भी अपनी एक इनपुट दें यहाँ पे। देखो मैं तो यही कहूँगा कि ये जो पाकिस्तान से खिलाड़ी आए हैं ये हमारे बच्चों की तरह हैं। दूसरा, ये मुल्क के अम्बेसिडर हैं, ये जहाँ भी जाएंगे मुल्क का नाम रोशन करेंगे। जी नाज़रीन, आप देख रहे हैं वैनकूवर की जान, दिल अपना पाकिस्तान। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद कमा सल्लैत अला इब्राहिम व आलि इब्राहिम इन्नका हमीदुम मजीद। मुहम्मद सल्ली अला शफीना सल्ली अला मुहम्मद जी।
तलब हुई सुबह मुंतहा वो चले नबी। 17 तारीख को संडे के दिन आर्या बैंक्वेट हॉल में इंडस हॉस्पिटल फाउंडेशन एक बहुत बड़ा इवेंट करने जा रहे हैं। ये वॉलंटियर्स ने जो ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया है, ये सिर्फ एक ही कॉज है, उस कॉज है ह्यूमैनिटी। तो उस ह्यूमैनिटी की सेहत फलाह ज़िंदगी के लिए इंडस हॉस्पिटल फाउंडेशन जो काम कर रही है, हम आपसे उम्मीद करेंगे कि आप 17 तारीख को जाएं वहाँ पे और ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिसिपेट करें, अपने फैमिली मेम्बर्स को लेके जाएं, टिकट लेके जाएं और ख़ास तौर पर डोनेट करें ताकि ये नेक कॉज जो है वो ये सफ़र जो है वो इसी तरह चलता रहे। नाज़रीन, सरे में और भी जैसे इकना ने मैंने जिक्र किया, इकना फाउंडेशन जो है यहाँ पे वो भी अपने गाए बगाए प्रोग्राम करते रहते हैं। हम इसमें अमीन खान साहब और साजिद अमीर साहब का वॉलेंटियर वर्क उसको भी हम उजागर करेंगे। वो हर जगह पे मौजूद होते हैं, अपने वॉलेंटियर वर्क की वजह से वो जाने पहचाने जाते हैं। आज का प्रोग्राम इतना वालों की फैमिली पिकनिक है। इतना जो है इस्लामिक जो इंफॉर्मेशन है और मुस्लिम डायलॉग्स हैं दूसरी कम्युनिटी के साथ, तो उसके लिए बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। और ये अपना करते हैं, गरीबों की भी मदद करते हैं, हर तरफ से ये जो है बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। अपनी कम्युनिटी की एसोसिएशन आज माशाल्लाह इन्होंने पिकनिक का प्रोग्राम रखा है, यहाँ पे कम्युनिटी पिकनिक का प्रोग्राम रखा है और उसके सिलसिले में हम यहाँ पर आप देख सकते हैं कितनी अच्छी बड़ी तादाद में यहाँ पर आए। जबरदस्त प्रोग्राम, बड़ा सक्सेसफुल माशाल्लाह। ये देखें बच्चों, बूढ़े, जवान, पूरी कम्युनिटी के सारे लोग आए हुए हैं और इंजॉय कर रहे हैं। बच्चों के खेलने की जगह है और यहाँ इस्लामिक इंफॉर्मेशन बुक्स हैं, हिंदी में है, उर्दू में है, पंजाबी में है और इंग्लिश में है। हाँ, इनको बताएगा दवा का काम करती है, ये दवा का बूथ लगाया हुआ है, फ्री इस्लामिक लिटरेचर है और एवरी सैटरडे हम न्यूटन एक्सचेंज के ऊपर भी इसको 10 to 12 टेम्परेचर ये डिलीवर करते हैं सारे का सारा लिटरेचर। और किसी भी को भी किसी किस्म का इस्लामिक लिटरेचर चाहिए हम सपोर्ट कर देंगे, अगर मस्जिद में या नॉन मुस्लिम्स के लिए या अपने मुसलमानों के लिए चाहिए तो यू आर वेलकम टू गेट इट फ्री। जजाकल्लाह, जजाकल्लाह भाई जान। तो आप उनसे मिल जाएगी इसको भी। Oh,
बारे में थोड़ा सा ब्रीफ करें हमें। अच्छा अच्छा ये जी आज बियर क्रीक पार्क में एक ना का प्रोग्राम चल रहा है और मैं सब फैमिली से दरख्वास्त भी करता हूँ कि आए और इस प्रोग्राम को सपोर्ट करें। ये हमारा कम्युनिटी प्रोग्राम है और ये तारिक असलम भाई ने यहाँ पे ये स्टॉल लगाया। ये देखें ये फ्री कुरान दे रहे हैं और इस्लामिक बुक्स हैं, बाकी चीज़ें जो हैं न्यू मुस्लिम्स के लिए इंग्लिश में भी हैं, पंजाबी में भी हैं और ऑफकोर्स अरबी में और दूसरी लैंग्वेजेस में भी हैं। तो आप आए देखें और जिस किसी को भी ये बुकें चाहिए हों तो वो तारिक भाई से रब्ता करें और यहाँ भी आके इनसे मिले और मालूमात हासिल करें। और इधर जनाब बारबेक्यू हो रहा है देखें, तो प्लीज आए और इस प्रोग्राम को सपोर्ट करें। नो 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 आइए। जी अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है दोस्तों, खैरियत से? आज इकना वालों की जो है अपना कहते हैं फैमिली पिकनिक है, सब दोस्त जो है वो आएँ और यहाँ पर बच्चों के लिए बहुत अच्छा इंतज़ाम किया गया और पिकनिक के लिए फूड अरेंजमेंट है। तो दोस्तों से रिक्वेस्ट है आए आप लोग, इंशाल्लाह हम लोग यहीं मिलेंगे आप लोगों को। जी नाज़रीन, कनाडा में कबड्डी, कनाडा में कबड्डी देखी गई एपिसोड में एक बहुत बड़ा टूर्नामेंट हुआ। तो नाज़रीन आइए हम आपको इस प्रोग्राम की झलकियां भी दिखाते हैं। बीसी यूनाइटेड कबड्डी फेडरेशन ने एक इस कप का की ऑर्गेनाइजेशन की और इसमें हमारे कम्युनिटी के लोग जहीर महल और इसके अलावा बहुत सारे लोगों ने इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। शेफ मलिक और खालिद चौहान ये भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं। तो नाज़रीन ने ये हमें कम्युनिटी की यकजहती दिखाती है। जी 17 सितंबर को 17 सितंबर संडे के दिन आर्या बैंक्वेट में आना ना भूलिएगा। ये एक ह्यूमैनिटी की हेल्प के लिए ये जो फंड रेजिंग हो रहा है और डिनर भी है इसके साथ, आप ज़रूर आइए, अपने टिकट लीजिए, अपनी फैमिली को लेकर आइए। ये एक बहुत बड़ी काज है। देखते रहिए वैंकूवर की जान, दिल अपना पाकिस्तान। और एक पल
पाकिस्तान।